गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3 फॉर ME 306। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था रेसिप्रोकेटिंग सॉ मशीन। क्या डिस्कस किया था हमने? रेसिप्रोकेटिंग सॉ मशीन। ओके, अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेंड सॉ मशीन के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रेसिप्रोकेटिंग सॉ मशीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग सॉ मशीन हमने क्या डिस्कस किया था कि आपकी जो मैकेनिज्म होगी वो क्या होगी, या तो जो हाइड्रोलिक से ड्रिवन हो सकती है, दूसरा आपकी मैकेनिज्म क्रैंक ड्रिवन मैकेनिज्म हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने बताया था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था आपका कि जो आपकी ब्लेड होगी, जो आपकी सॉ होगी, वो क्या कैसे रेसिप्रोकेट करेगी। ठीक है, ऐसे रेसिप्रोकेट करेगी और इसी वजह से आपकी कटिंग परफॉर्म होगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था रेसिप्रोकेटिंग सॉ मशीन का। ठीक है, अब आज के वीडियो में आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं वेंट सॉ मशीन के बारे में। ठीक है, तो वेंट सॉ मशीन क्या होती है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी आप सोचोगे कि रेसिप्रोकेटिंग सॉ मशीन थी तो इसको डेवलप करने की क्या ज़रूरत आ गई हमको। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो देखते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसकी स्पीड ज़्यादा होती है इससे क्या मतलब है, क्यों होती है, ये भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो बेंड सॉ मशीन है, बेंड सॉ मशीन का डायग्राम देखते हैं कि बेंड सॉ मशीन होती कैसी है। ये देखिए, इस डायग्राम को देखो, ये आपका बेंड सॉ मशीन का डायग्राम है। ठीक, तो इसमें क्या है, आपकी जो ब्लेड्स है, ठीक है, ये आपका एक व्हील है, ये आपका दूसरा व्हील है। ठीक है, रोटर कह सकते हैं इसको, जो भी है, और आपकी जो ब्लेड है वो इस पर ऐसे लगी हुई है। ठीक है, ये ब्लेड ऐसे लगी हुई है और जो मोटर से ऑपरेटेड है ये, तो एक बार स्टार्ट जब मोटर होगी तो आपकी ब्लेड इन पे ऐसे रोटेट होगी। ठीक है, तो इस वजह से जो ब्लेड ये ऐसे है, इस वजह से इनकी जो ब्लेड्स होती है, हम बेंड सॉ मशीन की, उनको कहते हैं हम एंडलेस ब्लेड्स। क्या कहते हैं? एंडलेस ब्लेड, मतलब अंतहीन ब्लेड है। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। तो थोड़ा सा ये आपकी जो पहले वाली मशीन थी उसके कंपेरिजन में थोड़ी सी महंगी होती है। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई, एक तो एंडलेस ब्लेड होती है, एक महंगी होती है, और इस एंडलेस ब्लेड की वजह से ही इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, कटिंग स्पीड जो होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कम टाइम में ज़्यादा काम करेगी। ठीक है, तो ये आपका इतना समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। ठीक है, तो जो आपका रेसिप्रोकेटिंग सॉ मशीन नहीं, बेंड सॉ मशीन को हमने देखा था कि बेंड सॉ मशीन था, हमने इनको हॉरिजॉन्टल बेंड सॉ मशीन और वर्टिकल बेंड सॉ मशीन में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, तो अभी वर्टिकल बेंड सॉ मशीन हम देख रहे हैं, तो वर्टिकल बेंड सॉ मशीन का डायग्राम आप ये देखिए सबसे पहले, तो उसके बाद हम ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम को देख के हमको पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस डायग्राम से देख लेते हैं, उसके बाद हम ब्लॉक डायग्राम में कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, ये आपका जो व्हील लगा है उनकी स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ये ब्लेड की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, अगर इनकी व्हील की स्पीड ज़्यादा होगी तो ये ब्लेड की स्पीड भी ज़्यादा होगी, अगर इसकी व्हील की स्पीड कम होगी तो इसकी स्पीड भी कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन व्हील की स्पीड के कंट्रोल करने के लिए, स्पीड कंट्रोल करने के लिए कुछ लगा होगा। ठीक है, वेरिएबल स्पीड कंट्रोल ये लगा होगा। ठीक है, तो एक काम कह सकते हैं कि कोई मोटर लगी होगी, गियर सिस्टम होगा जिसमें हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक। तो अब दूसरा आपका, ये आपकी ब्लेड है। ठीक है, पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपकी ब्लेड है। ठीक है, तो ये आपका ब्लेड हो गया। ठीक, उसके बाद में ये आपकी जो वर्क टेबल है, आपकी क्या है, वर्क टेबल, जिस पे हम वर्क पीस को हम रखेंगे और
कटिंग एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद में कूलेंट के लिए भी हम एयर ब्लोअर यूज़ करते हैं, एयर ब्लोअर यूज़ करते हैं जो कूलेंट का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में ये आपकी मेन टेबल होगी, ठीक। उसके बाद में टेबल को घुमाने के लिए भी, ये आपका जो डायग्राम दिखाया गया है ये बहुत ही पुरानी जो मशीन है उसका दिखाया गया है। आजकल काफ़ी डेवलप्ड मशीन हो गई है, लेकिन मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये आपका वर्टिकल मशीन का यही होता है, ठीक है। तो इसको दिखाया मैंने आपको ताकि अच्छे से समझवा सके, ठीक है। और आगे और भी हम पार्ट देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि कुछ गियर सिस्टम होगा जिससे आपका स्पीड कंट्रोल होगा। दूसरा आपका ये टेबल के लिए भी रोटेटिंग टेबल हो सकती है, ठीक है। टेबल के ऊपर नीचे ये सब जा सकती है ऐसे इधर की तरफ से। इसके लिए हम अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है वर्टिकल जो मशीन होती है उसमें किस तरीके की मैकेनिज्म आपने यूज़ की है, ठीक है। तो दूसरा और उसके बाद में हम अब ये ब्लॉक डायग्राम पे चलते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम में दिखाया है आपको, ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखाया है कि लोअर 100 गाइड और अपर 100 गाइड, ठीक है। ये 100 को गाइड करने का काम करेंगे, ठीक है। एयर ब्लोअर दे रखा है, ठीक है, जो आपका एक तरीके से कूलेंट के रूप में काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद में स्टार्ट एंड स्टॉप बटन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में स्पीड इंडिकेटर दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ पार्ट्स दिए गए हैं आपको इसमें, और अलग अलग डायग्राम देखोगे तो अलग तरीके के पार्ट्स दिखाएंगे। तो बेसिक बेसिक पार्ट्स जो है आप लिख सकते हो उसमें, वेरिएबल स्पीड कंट्रोल हो गया, स्टार्ट एंड स्टॉप स्टॉप पुश बटन हो गया, ठीक है। चिप ड्रॉअर हो गया आपका, यहाँ पे चिप ड्रॉअर आएगा जिसमें आके चिप गिरेगी यहाँ पे। उसके बाद में ड्राइव व्हील हो गया, ड्राइव व्हील, ठीक है। तो उसके बाद में 100 गाइड हो गया जो आपके ब्लेड को गाइड करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये सब इसके पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये हो गया वर्टिकल सॉ मशीन का। अब देखिएगा ये आपकी वर्टिकल सॉ मशीन ये है आपकी पूरी, ठीक है। वर्टिकल सॉ मशीन ये आपके वर्टिकल वेंट सॉ मशीन है, ठीक है। तो इस तरीके की जो वर्टिकल वेंट सॉ मशीन दिखती है आज के ज़माने में, और अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके बनाती है। हर मशीन का मैं कह रहा हूँ कि मैकेनिज्म सेम होगी। इसमें क्या है, एक व्हील यहाँ पे लगा होगा, दूसरा व्हील यहाँ पे लगा होगा। ये आपका ब्लेड ऐसे ऊपर से मूव कर रही होगी, ठीक है। अभी ब्लेड की स्पीड कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, इसके लिए कंट्रोल है हमारे, ठीक है। ये कंट्रोल स्विच लगे हुए हैं, ये आपके यहाँ पे कंट्रोल स्विच लगे हुए हैं, ठीक। ये आपका ब्लोअर हो गया, इस तरीके की दिखेगी यहाँ पे लाइट है, ये ब्लोअर यहाँ पे हो गया, बुलेट का काम करेगा, जो चिप ड्रॉअर हो जाएगा नीचे इसके नीचे, ठीक। ये आपकी टेबल हो गई, ठीक है। तो इसमें आप कटिंग एक्शन कैसे परफॉर्म होगा आप देखते हैं। ये आपकी ब्लेड जो ऊपर नीचे घूम रही है, ठीक है। यहाँ से हमने मान लो ये बकपीस आपका, इसको कटिंग करना है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से हम इसको ले गए तो वो कटिंग एक्शन इसमें परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल वेंट सॉ मशीन हो गया, ठीक है। अगर अब इतना समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से जो हॉरिजेंटल वेंट सॉ मशीन है उसका समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जो हॉरिजेंटल वेंट सॉ मशीन होगी उसके समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखते हैं कि हॉरिजेंटल वेंट सॉ मशीन कैसे दिखती है, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया आपका, और एक ये डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक डायग्राम है, ठीक है। काफ़ी पुराना डायग्राम आपको देखते ही लग रहा होगा ये पिक्चर जो आपके काफ़ी पुरानी है, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले अगर आप पार्ट्स देखना चाहो इसके, अगर जैसे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको इसका, सबसे पहले ओरिजिनल वेंट सॉ मशीन का, वर्टिकल वेंट सॉ मशीन में क्या था आपका, जो सॉ थी वो कैसे थी, इस तरीके से लगी हुई थी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हॉरिजेंटल में क्या है आपका, जो सॉ है ये आपका ये व्हील हो गया, और सॉ इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल तरीके से लगी हुई है। ये आपका सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, ये और भी ज़्यादा स्पीड से काम कर सकती है, ठीक है। इसकी स्पीड आपकी ज़्यादा होती है पावर एक्सेस, ठीक है। तो वर्किंग मैकेनिज्म इसकी सेम है वर्टिकल वेंट सॉ मशीन की तरह, और इसके पार्ट्स भी वही सेम होंगे। ये आपको पार्ट्स में क्या है, कूलेंट पंप हो जाएगा, ठीक है। ये आपका चिप ड्रॉअर हो जाएगा, कूलेंट पंप हो गया, चिप ड्रॉअर हो गया, ठीक है आपका। ये आपकी टेबल हो गई इसमें, ठीक है। और
जो एडजस्टेबल, ये आपकी वाइस हो जाएगी, ठीक है। और पंप और मोटर का जो हाइड्रोलिक पंप और मोटर असेंबली हो जाएगी, ठीक है। और ये स्विच हो जाएंगे आपके, जहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। इसमें जो अगर जो मैकेनिज्म होगी, इसमें इसमें जो कटिंग एक्शन होगा, मैं आपको एक बार बताता हूँ कि इसमें क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, इधर की तरफ से मान लो हमने कोई एक स्टॉक डाला हुआ जिसको हमको कटिंग करना है, उधर की तरफ से वो निकल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, चालू करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको नीचे की तरफ लाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये ब्लेड है, इससे आपका कटिंग एक्शन होगा। जो ये ब्लेड लगी हुई है, ये वाली ब्लेड लगी हुई है, इससे आपका कटिंग एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे कटिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है। अभी और कुछ बचा है इसमें? हाँ, ये और बचा हुआ है आपका सर्कुलर सॉ मशीन, ठीक है। सर्कुलर सॉ मशीन को भी देख लेते हैं अभी। तो सर्कुलर सॉ मशीन, ठीक है। तो सर्कुलर सॉ मशीन आपका एक्चुअली देखा जाए तो सर्कुलर सॉ मशीन हम काफ़ी काम में लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर सॉ मशीन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि इसका ज़्यादा यूज़ होने का मतलब यह है कि एक तो जो वर्टिकल बैंड सॉ मशीन है, रेसिप्रोकेटिंग मशीन है, जो बैंड सॉ है, एक्चुअली बैंड सॉ की अगर बात करें हम, वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल, तो एक बड़ी मशीन है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। तो ये क्या है, ज़्यादा यूज इसलिए होती है ये जो सर्कुलर, एक तो छोटी मशीन है, ठीक है। इसको आप जो ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ की, एक बैग में रखा आपने, उसको लेके आप कहीं भी जा सकते हो। जबकि जो बैंड सॉ मशीन है उसके साथ ऐसा नहीं है, वो एक काफ़ी बड़ी मशीन है, तो इसलिए इसको एक तो ज़्यादा यूज़ ली जाती है, ठीक है। और ये जो है मशीन है, जो सर्कुलर सॉ मशीन है, इसको ये सेमी ऑपरेटेड, सेमी ऑटोमेटिक भी होती है, ऑटोमेटिक भी होती है, और ये मैनुअल भी होती है कम्प्लीटली, ठीक है। सब तरीके की होती है, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट इसका यह है कि हम क्या करते हैं, इसमें जो कटिंग एक्शन परफॉर्म होता है, इसके लिए व्हील लगा हुआ है, ठीक है। इसको हाथ में ऐसे पकड़ सकते हैं, यहाँ से पकड़ लिया, और इसमें जो मोटर लगी होती है उसके थ्रू ये आपका जो ये व्हील है, ठीक है, ये आपका घूमता है। एक्चुअली देखा जाए तो इसकी जो वर्किंग मैकेनिज्म, जो मिलिंग मशीन के सेम होती है, मिलिंग मशीन जैसे वर्किंग मैकेनिज्म होती है मिलिंग मशीन की, वैसे ही होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या किया, इसको हमने पकड़ा यहाँ से, और वर्क पीस को हमने यहाँ पे, अगर वर्क पीस जो है यहाँ पे रखा गया है, उसको होल्ड करने के लिए क्लिप के थ्रू होल्ड कर लिया उसको हमने, और हम एक कटिंग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मान लेते हैं हमको ये आपको, ये आपका वर्क पीस, ठीक है, इसको ही काटना है, ठीक है। तो इसको हमने पकड़ के इस डायरेक्शन में हमको काटना है, मशीन को हमने पकड़ा और ऐसे ऐसे चला दिया, ठीक है। तो ये आपकी सर्कुलर सॉ मशीन के बारे में थोड़ी जानकारी है, ठीक है। दूसरा, सर्कुलर सॉ मशीन बहुत तरीके की होती है, ठीक है। तो दूसरा, इसमें डायग्राम मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन मैं लिंक शेयर कर दूंगा डायग्राम के नीचे, डायग्राम के लिए नीचे। तो ये मान लेते हैं आपकी एक टेबल है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, नीचे की तरफ इस मशीन को फिट कर दिया जाता है, नीचे की तरफ इस मशीन को फिट कर दिया जाता है। तो ऊपर की तरफ जो है थोड़ा सा इसका जो व्हील है, इसका थोड़ा सा पार्ट निकला होता है, और उसके बाद हम इस टेबल के ऊपर वर्क पीस को ले जाते हैं, और उससे कटिंग एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सर्कुलर सॉ मशीन होती है, ठीक है। तो इसमें अगर पार्ट्स हम इसके देखें, कुछ पार्ट्स देखें हम, तो जैसे यहाँ पे क्या होगा आपका, ये मोटर हाउसिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक मोटर लगी होगी, ठीक है। आपका स्विच हो जाएगा एक यहाँ पे, जैसे स्विच हो गया, ठीक है, जिससे हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका ये क्या होएगा, कटिंग व्हील हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से सॉ होगी आपकी, सॉ किसके, सर्कुलर सॉ मशीन में सॉ का फॉर्म क्या होता है, व्हील की फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ पार्ट्स, ठीक है। तो इतना ही बहुत आज के वीडियो में।